नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ सुबह सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कृषि के क्षेत्र में नए नवाचारों को गढ़ने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल को दी बधाई। भाजपा के सुप्रीमो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे। इस दौरान वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। पार्टी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कृषि के क्षेत्र में सरकार का फोकस है। कृषि अधोसंरचना के लिए 4,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल को नए नवाचारों को गढ़ने के लिए बधाई देता हूँ। जनता के बीच में रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। उसी तरीके से आज आप वीट में एक्सपोर्टर नंबर 1 बन गए हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 4,000 करोड़ रुपए लगा रहा है। कमल पटेल साहब बैठे हैं, मैं उनको भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ओबीसी के वेलफेयर की कमीशन का वेलफेयर बोर्ड बनना, वह